नमस्कार दोस्तों, मैं लोक बहादुर थापा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एग परोठे की रेसिपी, आइए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 1.5 कप के आसपास आटा ले रखा है, गेहूं का आटा है और इसमें कोई मिक्स नहीं है। मैंने 3 अंडे ले रखे हैं, थोड़े प्याज ले रखा है, 2 हरी मिर्च और धनिया, थोड़ा सा मैंने ले रखा है देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल और रिफाइंड हो, कोई भी तेल आप ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब हम आटा लगाएंगे, आटे में डालेंगे पहले थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम नमक डालेंगे, ठीक है जी। नमक बिल्कुल कम डालना है, हम नमक उसमें भी डालेंगे अंडे में, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना है। देखिए अब हम इसको लगा लेंगे, डायरेक्ट पानी से गूंद लेंगे। देखिए दोस्तों, आटा रोटी की तरह गूंदना है, जैसे आप रोटी के लिए गूंदते हैं इसी तरह आपको आटा गूंदना है। हमने सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला है और कुछ नहीं डाला है। जितना मारेंगे उतना बढ़िया रोटी या परोठे बनेंगे इसके। देखिए दोस्तों, हमारा आटा गूंद चुका है, अब हम इसको ढक के रख देंगे। इसको किसी कपड़े से ढक के रखेंगे, ऐसे खुला मत छोड़िएगा। 5-7 मिनट आप ऐसे ढक के रख दीजिएगा, तब तक हम तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, प्याज को आपको ऐसे बारीक बारीक काट लेना है। देखिए धनिया भी ऐसे बारीक काटना है आपको, और हरी मिर्च भी हम ऐसे बारीक काटेंगे। देखिए दोस्तों, हमने प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली, धनिया काट लिया, सब बारीक बारीक काट लिया है। हमने 3 अंडा ले रखा है, 5 से 7 मिनट हो गया है। अब हम निकालते हैं आटा। देखिए दोस्तों, ऐसे पीले बनाना है रोटी की तरह, मैंने पीले बनाए। देखिए ऐसे आटा लगा के हम इसको बेलेंगे। सबसे पहले अगर ज़्यादा नहीं मिल रहा तो थोड़ा आटा लगा लीजिएगा। देखिए ऐसे बेल दिए, एक रोटी बना ली। अब हम इसमें लगाएंगे घी। आप घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं। इसको हाथ से फैला दीजिएगा प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरह लगना चाहिए इसको घी या तेल जो भी लगा रहे हैं आप। सूखा जगह नहीं बचना चाहिए, और हल्का सा डाल देंगे इसके ऊपर सूखा आटा। अब हम इसको तय लगाएंगे इस तरीके से, एक फोल्ड कर दिए। इस पर हमने दोबारा घी लगाया, इसको भी हमने बढ़िया से लगाई। देखिए फिर हम लगाएंगे इसको दूसरा तय। ये देखिए, अब हम फिर बाहर से आटा लगाएंगे। अब हम इसको बेलेंगे इसी सेल में। आपके ये कोने ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अंडे भरने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है किसी ने। ये देखिए इस तरह से आप बेलेंगे इसको, मैंने तावा लगा रखा है इधर। देखिए दोस्तों, हमारा तावा गर्म हो चुका है, अब हम परोठे को इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको तेल वगैरह नहीं लगाएंगे कुछ भी, हम ऐसे ही सेक लेंगे इसको। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, और नहीं हमने तेल लगाना या घी लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना अभी फिलहाल। इसको हम ऐसे ही सेक लेंगे एक बार। आप चिमटा भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। आपसे जिससे सॉलिड हो रहा है उससे सेकिएगा। देखिए हमें इस परोठे को कच्चे ही निकालना है, मतलब कि थोड़ा बहुत पक जाए, ज़्यादा नहीं पकाना है। देख लीजिए धीरे धीरे फूलने लगा ना, ये फूल गया, समझ लीजिएगा कि अंदर से ये अलग हो रहा है।
बस हमें इतने पकाना है। देखिए खुल गया आपने, आप ये देख लीजिए पूरा परोठा आपका खुल गया है ना, देख लीजिए। अब हम इसको ऐसे रख देते हैं, हटा देते हैं, इधर प्लेट में रख देंगे। देखिए दोस्तों ऐसे बेलना है आपको रोटी की तरह, सबसे पहले रोटी बनानी है आपको और बढ़िया सी गोल सी रोटी बनानी है। इसके ऊपर लगाना है आपको घी, घी भी लगाना है आपको बढ़िया से लगानी है, चारों तरफ लग जाए या आपके स्वाद अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, घी तेल रिफाइंड कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपको जिसमें अच्छा लगे वो लगा दीजिएगा, लगना बढ़िया से चाहिए। हल्का सा एक चुटकी थोड़ा बहुत हम आटा डालेंगे सूखा इसके ऊपर, इसको कर देंगे फोल्ड, फिर हम इस साइड लगाएंगे फिर दोबारा से घी, इसको भी हम हाथ के सहारे से ऐसे चला देंगे अच्छी तरह, फिर हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। और बेलते समय ये ध्यान रखिएगा कि कोना आपको ज्यादा बाहर नहीं निकलने चाहिए ताकि परोठे के बराबर में ही निकले। अगर आप कोना ज्यादा बाहर निकालते हैं तो जब अंडा भरेंगे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा आपको, क्योंकि अंडा साइड भी नहीं जाएगा, अगर करते हैं तो निकल जाएगा बाहर। देखिए दोस्तों हमने दूसरे भी इसी तरह बनाना है, हमने सारे परोठे हम ऐसी तरह कच्चे निकालेंगे पहले। देखिए दोस्तों ये फूल रहा है ना, कैसे आपको फुलाना है, फूलने के बाद ही अपने आप खुल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसके बीच में घी लगा रखा है, तो ये सूखे सेकेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए खुल रहा है अपने आप साइड से, ये देखिए जैसे फूलेगा तो ये खुल जाएगा अपने आप, सिर्फ हम इसको खुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए खुल गया, हो गया हमारा परोठा तैयार है, इसको हटा देते हैं हम इधर। ये दोस्तों हमने एक कटोरी लिया है, कटोरी में हम तोड़ेंगे एक अंडा, ऐसे तो एक परोठे के लिए एक अंडा बहुत है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं, मैं एक ही डालूंगा। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हम तीखे के लिए हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा डालेंगे हम प्याज और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। ये देखिए स्वाद अनुसार थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, जैसे हम फेंट देंगे इसको, ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि हम इसमें मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे, मसाले जो हैं प्याज है धनिया है हरी मिर्च है, इसमें कुछ खास मसाले की जरूरत नहीं है और नमक है। देखिए दोस्तों हमने तवा हमारा गर्म ही है, हमने बहुत कम आंच कर रखा है, थोड़ा सा हम घी लगाएंगे नीचे, घी लगाने के बाद जो हमारा परोठे है इसको रखेंगे हम खोल के। देखिए परोठे हमने खोल के रख दिए हैं, हमने अंडा फेंट के इसमें डाल देंगे, देख लीजिए ऐसे हम अंडा फेंट के डाल दिए इसमें, अब हम कर देंगे इसको बंद, जो हमारा परोठा है ये देखिए बंद हो गया, थोड़ा सा हम लगाएंगे साइड से घी, धीमे आंच में हम पकाएंगे इसको, प्यार से पकाना है आपको, धीमे धीमे आंच में पकने देना है इसको थोड़ा सा इधर से, देखिए जो साइड में अंडा है उसको थोड़ा ऐसे साइड में कर दीजिएगा, ये भी धीरे धीरे पक जाएगा और बहुत बढ़िया एक परोठा बनेगा जैसे हम होटल में बनाते हैं, बिल्कुल होटल की स्वाद आएगा। तो आप ऐसे करके पलट दीजिए, पलटने के बाद फिर थोड़ा सा दूसरी तरफ भी हम घी लगाएंगे, ये देखिए ऐसे साइड से देखिए, और हल्का हल्का इसको पकाएंगे प्यार से। गैस आपको बिल्कुल कम रखना है, धीमे आंच में पकानी है इसको, अगर गैस तेज करते हैं तो आपका परोठा जल सकता है बाहर पे, है ना। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है और कितना बढ़िया से पक रहा है, फिर हम इसको इस तरह पलट देंगे,
जैसे हम दबा दबा के चारों तरफ इसको केयर से पकाएंगे, बढ़िया से पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा परोठा फूल गया, देखिए कितना बड़ा हो गया, मोटा हो गया बिल्कुल फूल के, इसका मतलब अंडा पक चुका है। देखिए बिल्कुल सख्त है बीच में और वो हो गया, मोटा हो गया है, ये देखिए मुलायम पंच कर रहा है, इसका मतलब आपका परोठा पक चुका है। देखिए ऐसे निकाले और इसी तरह हम दूसरे भी बनाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे परोठे बन के बिल्कुल तैयार हुआ है, ये देखिए बिल्कुल खुल रहे हैं, देखिए अंडा कैसे भर गया है बिल्कुल बढ़िया से। ये देखिए मैं एक बार काट के दिखाता हूँ आपको कितना बढ़िया से बन गया है, ये देखिए इसको हम काट के देख लेते हैं बीच में से, ये देखिए, ये देख लीजिए बिल्कुल अंडा पका हुआ है, बढ़िया से पका हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों ऐसे बढ़िया बनेगा, बिल्कुल स्वादिष्ट और खाने में बहुत हेल्दी। देखिए पूरी तरह प्रॉपर पका हुआ है, पूरी अंडा भरा हुआ अंदर, ऐसे परोठे बनाइएगा। देखिए जला भी नहीं है, बिल्कुल करारे हो गए हैं, बहुत पसंद आएगा आपको खाने में, एक बार बना के ज़रूर खाइएगा और कैसा टेस्ट आया हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये देखिए इसको आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी कर सकते हैं, आप चटनी है तो चटनी ले लीजिएगा, सॉस है तो सॉस ले लीजिएगा, आपकी इच्छा है, जो आपको इच्छा करे वो। मैंने फिलहाल सॉस के साथ सर्व करा है, देखिए ऐसे बिल्कुल बढ़िया बनता है, आप भी इस तरह बनाइएगा, बनाइए खाइए इंजॉय करिए, कैसा टेस्ट आया हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।